Hello students, my name is Ajay Sharma and you are watching my channel. Let's learn with AK. तो अपन ने पिछले टर्म पे सेट स्टार्ट किया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि सेट होता क्या है मेरा, कि सेट क्या होता है आपका. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इसमें मैंने एक पॉइंट और ऐड करवाया था कि जो जिसकी डेफिनेशन आपकी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती हो, तो वो मेरे क्या है, एक सेट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन दी अर्थ. यहाँ पे जो आपका मोस्ट डेंजरस है ये क्या है मेरा, एक वेल डिफाइंड, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, तो देयरफॉर ये मेरा सेट नहीं था. ठीक है, इसको मैंने एग्जांपल लेके समझाया था आपको. विलियम शेक्सपियर ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं, तो उसमें अगर मैं कलेक्शन बनाना चाहूँ उनका, तो आप सारे नॉवेल्स लिख दोगे, उनके टाइटल लिख दोगे. ठीक है, बट अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि मोस्ट फेमस नॉवेल्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो यहाँ पे जो मोस्ट फेमस वर्ड यूज हुआ है, मोस्ट फेमस, तो ये मेरा पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो देयरफॉर ये मेरा क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट नहीं था. इसके बाद मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था इसका, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो देर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, वन इज योर रोस्टर फॉर्म एंड अनदर इज योर सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लिस्टिंग फॉर्म. इन सेट बिल्डर फॉर्म ए कॉमन डेफिनेशन और प्रॉपर्टी इज रिटन. ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हो आप, ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे, जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे उनको आप लिख दोगे. ऑल एलिमेंट्स आर रिटन एंड टू एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमर्स. ठीक है, इसमें आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं करते हैं अपन सेट लिखते टाइम, और इसका ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता है. जो आपका 2, 4, 6 है, इसको मैं चाहूँ तो 4, 2, 6 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं 6, 4, 2 भी लिख सकता हूँ. ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड, सेपरेटेड बाई कॉमास. ठीक है, सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स सच एज ए, बी, सी. जैसे मैंने यहाँ पे बी से शो किया ना, तो वी इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे रीड करूंगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. क्लियर है. इसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू. तो अगर कोई मेरा एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहा है, तो वो क्या है मेरा, बिलोंग्स टू हुआ. अगर मेरा नहीं आ रहा है, तो वो आपका डज नॉट बिलोंग्स टू. तो उसके बाद अपन एक्सरसाइज 1.1 देख लिया था, अब अपन एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं. तो उससे पहले अपन कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज योर एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट, तो देखिए, ए सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट. कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, तो वो क्या होगा आपका, एम्प्टी सेट होगा. इसको मैं नल सेट भी बोलता हूँ, और इसको मैं वॉइड सेट भी बोलता हूँ. इसको मैं रिप्रेजेंट करने किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है, इसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ. तो सिंपल सी बात है, एम्प्टी सेट वो सेट्स होंगे विच डजेंट हैव एनी एलिमेंट इन इट. ठीक है, अब मैं आपके एग्जाम्पल की बात करता हूँ. देखिए, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से 2, है ना. तो जरा आप सोचिए कि 1 से 2 के बीच में कोई मेरा नेचुरल नंबर है क्या, 1 से 2 के बीच में मेरा कोई नेचुरल नंबर आता है क्या, नहीं आता ना. तो ये मेरा क्या है, एम्प्टी सेट हुआ ना, क्योंकि इसके बीच में मेरा कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो ये मेरा क्या है, एक एम्प्टी सेट है. तो एम्प्टी सेट को आप या तो फाई से शो करते हो, या फिर ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ. ठीक है, या तो फाई से या फिर सिंपल ब्रैकेट से. ठीक है, तो ये जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है आपका, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है. सेकेंड की बात करता हूँ, बी सेट बी इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज ए रैशनल नंबर. ठीक है, तो देखिए, तो जब मैं इस डेफिनेशन को सोल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड एक्स इज इक्वल टू रूट 2. अब देखिए, रूट 2 मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, इरेशनल नंबर होता है, बट ये क्या बोल रहा है, एक्स इज ए रैशनल नंबर, तो देयरफॉर इसके अंदर भी मेरा कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो ये भी मेरा क्या है, एक एम्प्टी सेट है. क्लियर है, समझ रहे हो. अब सी की बात करते हैं, x is such that x is a student presently studying in both classes 10th and 11th. तो देखिए, both class, तो एक साथ दो क्लास तो नहीं पढ़ सकता ना वो स्टूडेंट,
वर्जेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th. तो ये भी मेरा क्या है, फाइ, दैट इज एम्प्टी सेट. ठीक है, एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी बोलते हो या फिर वॉइड सेट भी बोलते हो. ठीक है, अब देखिए, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो आपका 2 है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर. ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है, एक्स इज एन इवन नंबर ग्रेटर देन 2, इवन प्राइम नंबर. तो 2 से बड़ा आपका कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है जो इवन हो. तो यहां भी मेरे कोई एलिमेंट्स आएंगे नहीं इसमें, तो ये भी मेरा क्या है, एक एम्प्टी सेट है. ठीक है, अब x इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज ओड. तो ये भी मेरा क्या है, एम्प्टी सेट है, कि किसी का भी स्क्वायर कर लूं मैं तो वो आपका ओड हो ही नहीं सकता ना. जैसे कि अब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4 होगा. अगर मैं ओड का स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर, सॉरी यहां पे क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इज ओड. ठीक है, तो आपको यहां से सोल्व करना पड़ेगा ना x. तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी, है ना. तो ये तो मेरी इवन नंबर है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है अपनी फाइनाइट सेट की. ये भी नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट का मतलब विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना. जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, कि एम्प्टी सेट होता है ना मेरा, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट. जो मेरा एम्प्टी सेट होता है वो भी आपका एक फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होते ना. ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स नहीं होने का मतलब क्या है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है. वो नंबर कितना, 0. तो 0 मेरा एक फाइनाइट नंबर है, तो देयरफॉर वो क्या होगा, आपका फाइनाइट सेट होगा. अब देखिए, इनफाइनाइट सेट की बात करूं तो जिसमें क्या हो, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल है ये वाला, तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मेरा इंटीजर्स से लिखे हुए ना, इंटीजर्स. तो इंटीजर्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है. तो ये क्या है, आपके इनफाइनाइट नंबर आएंगे ना इसके अंदर. भाई देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चलता जाएगा, 990, फिर 4 डिजिट आ जाएंगे, फिर 5 डिजिट, फिर 7, फिर 8. तो ऐसे ही आपके क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें. तो ये मेरा एक इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो देखिए, जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, विच इज x माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 1 या फिर 2. तो इसमें जो आपके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए ना, फाइनाइट नंबर आ गए ना इसके अंदर, तो ये मेरा क्या है, एक फाइनाइट सेट है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट. क्लियर है. अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4. तो देखिए, ये भी मेरा क्या है, एक फाइनाइट सेट है, है ना. तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 2 आएगी और माइनस 2 आएगी. तो वो भी मेरे क्या है, फाइनाइट सेट है. ठीक है, थर्ड की बात करते हैं. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आएगी. तो जो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा मेरा, हाफ. तो इसमें क्या है, आपके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. तो देयरफॉर ये भी मेरा क्या है, एक फाइनाइट सेट है, है ना. सिंपल सी बात है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मेरा फाइनाइट सेट, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मेरा इनफाइनाइट सेट. ठीक है, अब लास्ट वाला, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर. ठीक है, तो देखिए, प्राइम नंबर मेरे काफी सारे प्राइम नंबर होते हैं ना, 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है. ठीक है, तो 2 से 3, 5, 7, 11 चलते जाएंगे. ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, 101, 103 एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, देयरफॉर ये मेरा सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है. क्लियर हुआ, ये मेरा इनफाइनाइट सेट है. अब अपन एक नई डेफिनेशन बात करते हैं, वो है आपकी इक्वल सेट, है ना. तो दो सेट आपके इक्वल कम हो गए,
two sets will be equal if all elements of set A are in set B and all elements of set B are in set A. मतलब कि जब मेरे किसी A set के सारे elements आपके B में हो और B के सारे elements मेरे A में हो तो वो क्या होगा आपका equal set होगा. ठीक है. और equal को मैं कैसे show करता हूँ ऐसे A equal to B. ठीक है. देखिए इस वाले की बात मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया था. ये क्या है आपका x belongs to natural number and 2x minus 1 equal to 0. तो जब मैंने इसको सोल्व करूंगा तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई थी हाफ आएगी है ना. तो हाफ मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, है ना. तो इसका अगर रोस्टर फॉर्म होगा तो वो क्या होगा आपका फाइव होगा. ठीक है. ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो. तो ये मेरा एम्प्टी सेट है ना. ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 क्योंकि आपके पास x की वैल्यू कितनी आई है हाफ आई है. हाफ मेरा नेचुरल नंबर होता नहीं है तो ये मेरा एम्प्टी सेट है. एंड ऑल एम्प्टी सेट्स आर ऑल्सो फाइनाइट सेट. तो ये मेरा फाइनाइट सेट होगा. ठीक है ना. अब अपन इक्वल सेट. तो देखिए टू सेट्स will be equal if all elements of set A are in set B and B के सारे elements किस में होंगे आपके set A में होंगे. ठीक है. तो अगर मैं इस example की बात करता हूँ 1 2 3 4 and B की बात करूँ अगर मैं 3 1 4 2. ठीक है. तो देखिए 1 इसमें है आपका सही है, 2 आपका इसमें है, 3 आपका इसमें है, 4 भी आपका इसमें है ना. अब तो आपकी कंडीशन फुलफिल कर रही है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी. अब 3 देखिए 3 आपका इसमें है यस, 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है. तो ए के सारे एलिमेंट्स आपके बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स आपके ए में हैं. देयरफॉर ये क्या होंगे मेरा इक्वल सेट होगा. ठीक है. देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू बी. क्लियर. अब देखिए अब मैं सी और डी की बात करता हूं. सी और डी को देखिए 2 2 1 3 3. तो मैंने आपको क्या बताया था सेट में आपका क्या नहीं होता रिपीटेशन अलाउड नहीं होता. तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 1 3 लिखूंगा ना. अब देखो 1 1 2 2 3 3. तो सी के सारे एलिमेंट आपके डी में और डी के सारे एलिमेंट आपके सी में है. देयरफॉर सी विल बी इक्वल टू डी. ठीक है. अब देखिए अब मैं ए और ई सेट की बात करता हूं. तो इसमें जो आपका 1 है 1 मेरा इसमें नहीं है ना इसमें 1. तो ए विल नॉट बी इक्वल टू ई. ये साइन मेरा नॉट इक्वल टू एंड ये मेरा इक्वल टू का. ठीक है. इज इट ओके क्लियर. तो जब मेरे ए के सारे सेट सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट मेरे ए में होंगे तो वो मेरा सेट क्या होगा इक्वल सेट होगा. क्लियर है. तो देखिए अब आपको चूज करना कि कौन कौन से मेरे सेट इक्वल हैं और कौन कौन से मेरे सेट इक्वल नहीं है. ठीक है. तो पहले मैं क्या करता हूं इन सबको जो जो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में है ना उसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं. तो ए तो मेरा ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है. अगर मैं इसकी बात करूं देखिए x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5. तो जरा सोचिए ऐसा कोई नंबर जो 15 से बड़ा हो बट 5 से छोटा हो. ऐसा कोई हो सकता है क्या कि 15 से तो बड़ा हो बट 5 से छोटा हो. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो ये मेरा एक एम्प्टी सेट है ना. एम्प्टी सेट ये मेरा. तो इसे क्या है मेरा 5. ठीक है. ये आपका ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म है. अब सी वाले को देखिए x इज सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा ना. इक्वेशन को सोल्व कर लो आप x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x कितना हो गया मेरा 5 हो गया. तो ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया 5. ठीक है. अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 25
तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये एक्स, यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस फाइव आएगी ना, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लस फाइव एंड माइनस फाइव, क्लियर है। अब ई वाला देखिए, पॉजिटिव रूट ऑफ दिस, तो इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना पड़ेगा, दैट इज, तो देखिए यहां से मेरे फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस फाइव और प्लस थ्री बनेंगे ना, इक्वल टू जीरो, तो यहां से मेरी वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइव आएगी या फिर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको कौन सा लेना है, ओनली आपको पॉजिटिव रूट लेना है, तो ये माइनस थ्री मैं नहीं लूंगा, ओनली फाइव लूंगा, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, फाइव हो गया, ठीक है। अब देख लो कौन कौन से आपके इक्वल हैं कि नहीं है। अगर मैं ए की बात करूं, ए में मेरे एलिमेंट क्या है, जीरो है ना, ए का एलिमेंट क्या है मेरा, जीरो, तो आपका जीरो किसी में भी नहीं आ रहा, नहीं है ना जीरो, तो ए क्या है मेरा, एक इक्वल सेट नहीं है, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू डी एंड ए इज नॉट इक्वल टू ई, क्लियर है। पेयर्स बनाने हैं आपको। अब मैं बी की बात करूं, तो बी क्या है मेरा, एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो बाकियों में मेरा कोई एम्प्टी सेट नहीं है ना, देयर फोर बी इज नॉट इक्वल टू ए, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू डी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ई, क्लियर है। अब सी की बात करते हैं, तो सी का रोस्टर फॉर्म कितना है मेरा, फाइव है ना। ए में ए का एलिमेंट कितना है, जीरो, तो ये मेरे इक्वल नहीं है, ये भी मेरे इक्वल नहीं है। अगर मैं डी और सी की बात करूं, तो ये भी आपके इक्वल नहीं है, फाइव फाइव तो है कॉमन बट माइनस फाइव ये नहीं है ना इसमें। अब देखिए सी और ई, तो सी और ई क्या मेरे इक्वल सेट है, सी में फाइव, इसमें भी मेरा फाइव, तो ये मेरा क्या है, इक्वल सेट है। अब ठीक है, चलिए फिर, तो ये मेरा ये क्वेश्चन हो गया, तो इसमें आपके केवल सी और ई इक्वल थे, ठीक है। एक पॉइंट यहां पे ये ध्यान रखना कि अगर मेरा ए इक्वल टू बी है ना, कि अगर मेरा सेट ए इक्वल टू सेट बी है, तो जो मेरा सेट बी है वो भी मेरा ए को इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे लिख लो, इफ ए इज इक्वल टू बी, इट इंप्लाइज दैट बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये मेरे एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरी था, तो अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से मेरे नल सेट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। तो जरा सोचिए कि ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या होती है मेरी, विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, और यहां क्या बोल रहा है, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, देयरफॉर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, है ना। तो ये मेरा क्या है, एक नल सेट है, या फिर ये एम्प्टी सेट है, या फिर आपका एक वॉइड सेट है, क्लियर है। सेकंड देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, तो मैंने आपको बताया था टू एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो देखिए, इस सेट में मेरा एक एलिमेंट आ गया ना, देयरफॉर ये क्या है आपका, नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी या फिर नॉट वॉइड, क्लियर है, या फिर नॉट नल सेट। अब इसको देखिए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन फाइव बट ग्रेटर देन सेवन। अब ये फिर से मेरा पॉसिबल नहीं है कि एक्स ऐसा नंबर जो सात सेवन से बड़ा हो बट फाइव से छोटा हो, पॉसिबल है क्या, सेवन से बड़ा और फाइव से छोटा हो, तो ये भी मेरा क्या है, एम्प्टी सेट है या फिर मेरा नल सेट है। Y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन, टू लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, मींस उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो वही तो मेरी पैरेलल लाइंस होगी। तो ये भी मेरा Y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं मेरा। देयरफॉर ये जो मेरा सेट है, इसके अंदर मेरा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, मेरा एक एम्प्टी सेट,
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर टू है आपका, उसमें देखना है कि मेरे सेट क्या है, फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है ना। तो फर्स्ट देखिए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो ये मेरा क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि आपको मालूम है मंथ कितने होते हैं आपके, 12 मंथ होते हैं, फाइनाइट नंबर है आपका वो, है ना, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ये मेरा क्या है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट सेट है, क्योंकि इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है। अब देखिए सेकंड की बात करता हूँ, 1 2 3 डॉट डॉट का मतलब है ये आपका चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए इसमें मेरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, देयरफॉर ये मेरा सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। एक पॉइंट और देख लो, जो मेरा इनफाइनाइट सेट होता है ना, उसको मैं कैसे लिखता हूं कि उसमें मैं स्टार्टिंग के 4-5 एलिमेंट्स लिख दूंगा और रेस्ट डॉट डॉट करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये आपका लिखने का तरीका होता है किसका, इनफाइनाइट सेट का, है ना। अब इसको देखिए थर्ड को, 1 2 3 सो ऑन अप टू 99 और 100। अब देखिए ये मेरा सेट क्या है, इनफाइनाइट है ना, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 100 एलिमेंट्स हैं, है ना। 100 एलिमेंट्स का मतलब इसमें क्या, फाइनाइट नंबर है, देयरफॉर ये मेरा सेट क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब फोर्थ देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 101 102 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें भी काफी सारे नंबर्स होंगे आपके, क्योंकि पहले 3 डिजिट के आएंगे, फिर 4 के, फिर 5 के, फिर 6 के, फिर 7 के, फिर 100 डिजिट के आएंगे, फिर 1000 डिजिट के आएंगे। तो आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे इसमें। तो ये मेरा सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, अब ये क्या है मेरा, फाइनाइट होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 1 से, अगर मैं बात करूं 1 से 100 के बीच में, तो इसमें आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। तो 25 क्या, एक मेरा फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, देयरफॉर इट इज एन फाइनाइट सेट। तो समझ गए आप, फाइनाइट कैसे बताओगे, इनफाइनाइट कैसे बताओगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, उसमें भी आपको वही देखना है कि कौन सा मेरा फाइनाइट है और कौन सा मेरा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जरा इसको देखिए, तो यहां से मेरी लाइंस होगी, ये भी आपके एक्स के पैरेलल है, ये भी मेरी एक्स के पैरेलल है, ये भी मेरी एक्स के पैरेलल है। तो ऐसी आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन जाएंगी जो आपकी एक्स के पैरेलल, क्लियर है। तो ये मेरा सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब इसको देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अब आपको मालूम है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड। तो ये मेरा क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, देयरफॉर इट इज एन फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो ये क्या बनेगा, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। तो इसमें भी आपके कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो देयरफॉर ये भी सेट क्या होगा, मेरा इनफाइनाइट सेट होगा, है ना, ये भी मेरा इनफाइनाइट सेट होगा। अब इसकी बात करते हैं, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये सेट क्या है मेरा, इनफाइनाइट सेट है, बट देखिए ना कि जितने मेरे एनिमल्स हैं इस अर्थ के ऊपर, उसका एक फाइनाइट नंबर तो है ना, फाइनाइट नंबर है, हो सकता है वो करोड़ों में हो, है ना, 1 करोड़, 2 करोड़, ठीक है, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस, बट उसका भी एक क्या है, फाइनाइट नंबर है। देयरफॉर ये मेरा सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, है ना। क्योंकि देखिए सेट ऑफ एनिमल्स की बात करूं ना, लिविंग ऑन अर्थ, तो ये नंबर आपका काफी बड़ा नंबर होगा, नंबर आपका काफी बड़ा होगा, बट स्टिल ये मेरे क्या है, फाइनाइट नंबर है, है ना, फाइनाइट नंबर है। देयरफॉर ये क्या होगा आपका, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अब देखिए, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजन,
देखिए ओरिजिन क्या होता है आपका, 0,0 है ना। तो देखिए इसमें अगर मैं सर्कल का ड्रॉ करूँ तो आपका सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो आप ऐसे कितने भी सर्कल बना सकते हो, है ना, काफ़ी सारे कितने भी सर्कल बना सकते हो। रेडियस को मैं बढ़ाते जाऊँगा और मेरे सर्कल दूसरे बनते जाएंगे, है ना। तो ये मेरा क्या होगा, आपका एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो समझ गए, फर्स्ट मेरा इनफाइनाइट, सेकंड मेरा फाइनाइट, थर्ड मेरा इनफाइनाइट, फोर्थ फाइनाइट एंड फिफ्थ इनफाइनाइट, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें आपको चेक करना है कि चेक वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, सेट ए क्या है मेरा, ए बी सी डी, सेट बी क्या है मेरा, डी सी बी है। तो इक्वल सेट की क्या कंडीशन होती थी कि ए के सारे एलिमेंट मेरे बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट मेरे ए में होने चाहिए। तो देख लो, ए इसमें है, बी भी इसमें है, सी भी है और डी भी है। तो ये मेरा क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। चाहे आप ए इक्वल टू बी लिखो, चाहे आप बी इक्वल टू ए लिखो, दोनों की बात सेम होती है। अब इसको देखिए, 4 है इसमें, 8 भी है इसमें, बट 12 नहीं है, 12 इसका 12 इसमें नहीं है। देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। थर्ड देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 और पी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, एक्स क्या है मेरा, पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। देखिए, तो अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो ये क्या बनेगा, 2 इवन नंबर बोल रहा है ना, 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। तो अब चेक करो, अब ये दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल है ना। देयरफॉर इसमें भी क्या होगा मेरा, ए इज इक्वल टू बी, दैट इज सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। फोर्थ देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 और ये यहां पे क्या है, 10, 15, 20, 25, 30, है ना। और इसको देखिए, तो चाहूं तो मैं इसका आप क्या करूं, रोस्टर फॉर्म बना लो, मल्टीपल ऑफ 10 बोल रहे तो 10, 20, 30, 40, है ना। अब देखिए, इसके सारे एलिमेंट्स आपके इसमें हैं, बट बी की बात करूं अगर मैं, तो बी का 15 इसमें नहीं है, बी का 25 इसमें नहीं है, या 35 इसमें नहीं है, ठीक है। देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो समझ गए आप, इक्वल सेट कब होंगे, नॉट इक्वल सेट कब होंगे, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपन 5 करते हैं। 5 में आपका वही है, चेक करना आपको इक्वल सेट है कि नहीं है। तो फर्स्ट ए सेट क्या दे रखा है आपको, 2, 3 दे रखा है। बी, एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, है ना, तो अगर मैं इस वाले इक्वेशन के फैक्टर बनाऊं तो ये क्या बनेंगे आपके, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये बनेंगे। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 और -3। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, -2 और -3, है ना, ये होगा। तो अब चेक कर लो, 2 नहीं है इसमें, 3 भी नहीं है, तो ये मेरे क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b, दैट मींस a एंड b आर नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है। अब सेकंड देखे, x इज सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड वॉल्फ, है ना, और ये क्या है, y इज लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। अब देखिए, आपको याद होगा कि आप जब सेट लिखते हो, है ना, जब आप रोस्टर फॉर्म लिखते हो तो आप उसमें रिपीटेशन को अलाउड नहीं करते हो, है ना। तो इसको आप फिर से लिखना पड़ेगा, तो ये मैं क्या लिखूंगा, एफ ओ एल, फिर से एल नहीं लिखूंगा मैं, ओ भी फिर से नहीं लिखूंगा, और क्या आएगा आपका, डब्ल्यू आएगा। अब इसको मैं चेक करो, डब्ल्यू इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल है, एफ भी है, इसका एफ है, ओ भी है, एल भी है और डब्ल्यू भी है। तो देयरफॉर ये मेरे सेट क्या होंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 6, इसको देखिए, इसमें क्या करना है आपको, वो पेयर्स चूज करने हैं जो आपके क्या है, इक्वल सेट है, वो पेयर्स चूज करने हैं जो आपके इक्वल सेट है, ठीक है। तो ए 2, 4, 8, 12, है ना। तो चेक करो कहीं भी आपका 2, 4, 8, 12 है क्या, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा
इसके साथ किसी का पेयर नहीं बनेगा आपका। अब 1 2 3 4 को चेक करो, 1 2 3 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 1 4 2 हाँ ये है। दैट मीन्स जो मेरा सेट बी है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है ना। आपको याद होगा ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे सेट क्या है आपके, इक्वल सेट है, ठीक है। चलिए अब सी वाले का पेयर बनाते हैं, तो सी का पेयर किसी के साथ नहीं बन रहा, 4 8 12 14 किसी में भी नहीं है। डी का आपका बन चुका है बी के साथ। ई की बात करते हैं अपन, ई देखो ई माइनस वन और वन ऊपर वाला में कहीं नहीं है। अब यहाँ है ना वन और माइनस वन, तो ऑर्डर मेरा मैटर नहीं करता, देयरफॉर ई इज इक्वल टू जी, है ना। कि इसका माइनस वन इसमें है, इसका वन इसमें है, इसका वन इसमें है, और इसका माइनस वन इसमें माइनस वन है, ठीक है। देयरफॉर ई इज इक्वल टू जी। अब जीरो और ए की बात करते हैं, तो जीरो और ए किसी में भी नहीं है आपके, है ना। चलिए ये हो गया जीरो और वन, ये भी आपके किसी में नहीं है। तो ओनली ये दो पेयर्स हैं आपके, ठीक है, कि बी और डी आपके सेट इक्वल हैं और ई और जी सेट आपके इक्वल है, ठीक है। अब देखो आपने ये पॉइंट मे भी मिस कर दिया हो कि इक्वल सेट का मतलब क्या होते हैं। इक्वल सेट का मतलब कि जो ए के एलिमेंट्स है वो बी में होने चाहिए और बी के एलिमेंट आपके ए में होने चाहिए, है ना, यही तो मतलब था। ऐसा मत सोच लेना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये आपका इक्वल सेट नहीं होगा। जैसे कि देखिए अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 की बात करूं, अगर मैं बात करूं 2 3 4 5 की बात करूं, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, तो ये आपके इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट के लिए आपको क्या देखना है कि जो ए सेट के जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं वो आपके बी में होने चाहिए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके ए में होना चाहिए, है ना। तो नंबर्स इक्वल हो उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वन इसमें नहीं है ना, तो जो मेरा सेट है ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्लियर हुआ। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 थी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 1.3 करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।